नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड में। और आज हम आपके लिए लेके आए 9 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारे वीडियो में पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकार ने COVID-19 संकट से निपटने के लिए 5G प्लान की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या है, दिल्ली सरकार ने COVID-19 संकट से निपटने के लिए 5G प्लान की घोषणा की है। तो दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी ने ये घोषणा की है। तो आप जान लेते हैं, अब जान लेते हैं कि 5G प्लान क्या होता है। ये 5G में 5 T है। 5T में पहला टी का मतलब है टेस्टिंग, मतलब जो भी व्यक्ति है दिल्ली में 1 लाख व्यक्तियों की टेस्टिंग की जाएगी। और दूसरी बात, जो कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा उसकी कैसे की जाएगी ट्रैकिंग, मतलब जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया तो उस व्यक्ति की ट्रैकिंग की जाएगी, मतलब उस ट्रेसिंग की जाएगी, मतलब उसको खोजा जाएगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप है कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसकी क्या की जाएगी, ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका। और फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कार्य पूरा क्या होगा, टीम वर्क में होगा, मतलब टीम में होगा। और पाँचवा नंबर पर क्या, ट्रेसिंग, ठीक है। चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से COVID-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। तो इसका सही आंसर है बी, जीवन वेंटिलेटर। इस वेंटिलेटर का नाम क्या है, जीवन। ये आजकल कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा चल रहा है, और अगर कोरोना को समय रहते नहीं रोका गया तो भारत की बहुत क्रिटिकल कंडीशन होने वाली, क्योंकि भारत में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर भी अगर वेंटिलेटरों को जोड़ा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार वेंटिलेटर जुड़ेंगे। और अगर ये कोरोना वायरस ज़्यादा फैल गया तो फिर हालत तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि एक वेंटिलेटर में एक ही व्यक्ति रह सकता है। और ये कोरोना के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वेंटिलेटर, क्योंकि इसी से व्यक्ति को सांस दिलाने में मदद की जाती है। और अभी भारतीय रेलवे ने एक वेंटिलेटर, सस्ते वेंटिलेटर की खोज की, मतलब बनाया, जिसकी कीमत मात्र 10 हज़ार रुपये, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अमेरिका। मतलब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कहाँ से, नासा से। तो अब यहाँ पे नासा है तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। आप इन तीन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, चौथे प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा स्वरूप ऐप विकसित किया है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, क्यों, चूँकि छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। और यहाँ गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न कि हाल ही में बुलेट प्रकाश का निधन हुआ वे कौन थे। तो यहाँ पे बुलेट प्रकाश कौन थे ये पूछा गया, उनका हाल ही में निधन हुआ है। वह थे एक प्रसिद्ध अभिनेता, कॉमेडियन एक्टर थे। और उनको बुलेट की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्हें अभी जो प्रचलन में एक बुलेट गाड़ी चल रही है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, बुलेट गाड़ी, इसलिए उनका नाम बुलेट प्रकाश पड़ा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार में बाहर फंसे हुए अपने नागरिकों को 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुर। अभी बिहार सरकार ने भी 1,000 रुपये देने की घोषणा की थी, अभी मणिपुर सरकार ने घोषणा की है 2,000 रुपये देने की। और यहाँ पे मणिपुर है तो हम मणिपुर के बारे में जान लेते हैं कि मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। और यहाँ पे गवर्नर का नाम क्या है, नजमा हेपतुल्ला, ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने COVID-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने COVID-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है मात्र 499 रुपये में, ठीक है। आप ये जाके खरीद सकते हैं एयरटेल ऐप पे, एयरटेल थैंक्स ऐप पे खरीद सकते हैं 499 रुपये में। तो अब जान लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, 2017 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसके CEO का नाम क्या है, अनुव्रता विश्वास।
ठीक है, ये 2018 से कार्य कर रहे हैं इस कंपनी में। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में कौन से मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है एमएचआरडी मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने FIR होम डिलीवरी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तो हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? लालजी टंडन। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी के CEO ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? ठीक है, तो उसी कंपनी का नाम बताना है। उस कंपनी का नाम है बी ट्विटर। ट्विटर कंपनी के CEO ने COVID-19 बीमार महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। तो उस CEO का नाम क्या है? जैक डॉर्सी। तो अब तक दी गई है सबसे बड़ी राशि है दान के लिए, जो उन्होंने दिए $1 बिलियन। ठीक है, उनका नाम क्या है? जैक डॉर्सी, आप याद कर लीजिए इनका नाम। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? ठीक है, हमें प्रतिशत बताना है। तो इसका सही आंसर 23.4% हो गई है भारत की क्या? बेरोजगारी दर। तो अभी ये भविष्य में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये और ज़्यादा होगी, और इससे 23.4 से और ज़्यादा होगी। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित किया है? ठीक है, तो विकसित करने की घोषणा की है, अभी तक किया नहीं है लेकिन घोषणा की है। तो उसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है। भारत में यह पहला क्या होगा? ऑटोमेटिक ऐप होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तेलंगाना ने की है। तो तेलंगाना, ये तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो हमने आपको 8 अप्रैल 2020 को क्वेश्चन दिया था, पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर हम बताते हैं। हमने क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज के लिए आपके लिए हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है 6 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 5 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से राइट आंसर कमेंट में लिख कर बताना है, और आपको जितना ज़्यादा पता है इस आंसर के बारे में उतना ज़्यादा हमें लिख कर बताए, क्योंकि लिखने से जो चीज़ हमें याद होती ना, वो याद करने से इतनी ज़्यादा नहीं होती जो लिखने से होती है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना फिर भूलें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगले क्लास में।